नमस्कार, मैं एस्ट्रो पूर्णिमा आप सभी का स्वागत करती हूँ साधना एस्ट्रो में। आज हम बात करेंगे ऐसे विषय के बारे में जिसको आप लोग जो है, कुछ लोग कहते हैं कि मैम मेरा काम नहीं बनता, किस्मत साथ नहीं दे रही है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही, आपने हज़ारों कोशिश कर ली है, रिलेटिव्स को बोल दिया, अपने आसपास में रहने वाले जितने भी आपके हितैषी लोग हैं, जो आपके वेल विशर हैं, उनके पास से भी आपको कहीं से कोई सहायता नहीं मिलती, लोग आपका सपोर्ट नहीं करते, आपको ऐसा लगने लगा कि अब तो मेरा लक ही साथ नहीं दे रहा, किस्मत को कोसना आपने शुरू कर दिया है। अगर ऐसी बात है तो पहली चीज़ आप ये याद रखें कि जब भी आप अपनी किस्मत को कोसते हो, तब भी आप अपने जुपिटर यानी कि बृहस्पति को आप कमज़ोर करते हो, ये आपको नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आपको मैं सिर्फ आपके प्रॉब्लम्स को नहीं बताऊंगी, इसके सॉल्यूशन से बताऊंगी, ध्यान से सुनिएगा, इसे नोट करके रखें, क्योंकि कई समय ऐसा होता है कि उपायों को बताने के बावजूद भी लोग उनका रिजल्ट नहीं कर मिल पाता, उनको आप उपाय कर भी लेते तो भी आपको रिजल्ट नहीं मिलता। तो इसके कुछ कारण ऐसे हैं कि आप कहीं ना कहीं कुछ चूक कर जाते हैं या कहीं कुछ गलतियां आपसे हो जाती है। ध्यान से मेरी बात को सुने, उसे नोट करें। जो लोग पर्सनली प्रेडिक्शन लेना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ है, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करें। इसके अलावा अगर आप आके मिलना चाहते हैं तो मैं कोलकाता से हूँ, आप आके मिल भी सकते हैं अपॉइंटमेंट लेकर। चलिए आज मैं बात करूंगी, अगर आपका किस्मत आपका साथ नहीं दे रहा तो आपको किस उपाय को करना है। इस उपाय को करने के लिए जिस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसका किस्मत उसके साथ नहीं दे रहा, सिर्फ केवल वही व्यक्ति ये काम करे, और ये बिल्कुल भी अचूक उपाय है, इसे करने से आपको फ़ायदा मिलेगा ही, और वो भी 45 दिन में आपको फ़र्क समझ में आना शुरू हो जाएगा। शुक्रवार वाले दिन आपको अपने घर से जाना है शाम के वक्त, बिना किसी को बताए, बिना किसी को साथ लिए, बिना किसी को ये टोटका बताए आपको ये काम करना है। याद रखें, चाहे वो आपकी वाइफ हो, चाहे आपके हस्बैंड हो, आपके भाई बहन माता पिता फ्रेंड जितने भी क्लोज हो, किसी के साथ नहीं जाना, आपको अकेले ही जाना है। शुक्रवार वाले भी दिन 6 बजे के बाद आप अपने घर से निकलेंगे। कहीं भी काम से अगर आप जाते हैं बाहर, बाहर से ही बाहर इस काम को नहीं करना, अपने घर आकर मुंह हाथ धोकर अच्छे से, उसके बाद आपको अच्छे वस्त्र पहनकर, साफ सुथरा फीचा हुआ कपड़ा, धोया हुआ कपड़ा आपको पहनना है। पहन के आप उसको जाकर ताले के दुकान से एक ताला खरीदें, छोटा या बड़ा इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास पैसे हैं तो चांदी का ताला सबसे उत्तम है, अगर नहीं है तो नॉर्मल स्टील का ताला खरीदें, कॉपर का नहीं चलेगा, स्टील का चलेगा। स्टील का ताला खरीदें, और आपको ये याद रखना है कि ताला जब आप खरीदेंगे तो बार्गेनिंग बिल्कुल नहीं करेंगे, जो भी अमाउंट ताले वाला कहता है आपको वही अमाउंट देकर लाना है। इसके अलावा आपको चाबी खोलकर उसे चेक भी नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको वो ताला लेकर आना है अपने घर पर, बिना किसी को बताए लाके रात को सोते वक्त अपने तकिए के नीचे उस ताले को रख दें, चाबी को अलग रख दें, उसको खोलना बिल्कुल नहीं है। और शनिवार वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 4 बजे 4:30 बजे के बीच आपको उठना है, नहा धोकर साफ वस्त्र पहनकर शनिवार वाले दिन पीपल या वट का वृक्ष, जहाँ पर शनि भगवान की पूजा होती हो, बजरंगबली की पूजा होती हो, ये आपको ध्यान रखना है। इस चीज़ को देखकर आप उस मंदिर में जाएंगे, सुबह उठकर जाकर एक लोटा जल, कच्चा दूध, थोड़ी सी मिश्री डालकर, पीपल वृक्ष में सभी देवताओं का वास होता है, उन्हें प्रणाम करके अपनी जो मनोकामना है वो कहेंगे, कहकर आप एक लोटा जल जो है वो वृक्ष में डालेंगे, और ताले को चाबी साइड में रखेंगे, ताले को भी रखेंगे साइड में, रखकर अपनी मनोकामना बोलते हुए ये बात बोलना है कि जैसे ही कोई भी व्यक्ति इस ताले को खोलेगा, चाहे वो पंडित हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, अगर ये खोलता है तो जब भी ये ताला खुलेगा आपकी बंद किस्मत खुल जाएगी, और ये होना ही है। और याद रखें कि उस जगह जहाँ पर आपने ये काम किया है, आपको उस दिन के लिए उस जगह पर वापस नहीं जाना है, किसी भी हाल में उस रास्ते पर आपको नहीं जाना है। इतना सा उपाय आप अगर कर लेते हैं तो यकीन मानिए बंद किस्मत आपकी खुलनी ही है सिर्फ 45 डेज में। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, और आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को फॉलो करें और इस उपाय को करके अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा इस अपने बंद किस्मत को खोलें। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, तब तक के लिए धन्यवाद। मैं फिर दूसरे वीडियो के साथ आप सबसे मिलूँगी।